जल्दी से कमेंट में यस देखिए ओमेटेड परचेज सर ओमेटेड का मतलब क्या होता है बेसिकली ओमेटेड का मतलब होता है भूलना और परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स अब यहां पे हम ना फिक्स एसेट्स भी भूल सकते हैं और साथ के साथ इसी में मैं इनकॉर्पोरेट कर देता हूं रॉ मटेरियल इसी में लिख देता हूं गुड्स या तो आप गुड्स भूल सकते हैं लिखना या सर आप भूल सकते हैं लिखना एसेट्स ध्यान दीजिएगा या तो हम एसेट्स को भूल सकते हैं या फिर हम भूल सकते हैं परचेज गुड्स को सर दोनों होता क्या है देखिए जब कभी भी हम सामान को खरीदते हैं ना हमने कोई भी गुड्स खरीदा और खरीदने के बाद हम भूल गए तो भूलने का मतलब है आप उसी सामान को भूलोगे आपको एक एजम्पन लेना होता है जो आपने उधार में खरीदा होगा यानी क्रेडिट पे खरीदा होगा अगर जब आप उधार में खरीदते हो तो उसका पैसा देना भी भूल जाते हैं हम साथ के साथ हम एसेट्स या फिर एक्सपेंस में भी रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं मान लेते हैं कि मैंने एक बिल्ड मैंने एक मशीनरी उधार खरीदा है सर एक मशीनरी उधार खरीदा है तो ये दो जगह जाएगा एक तो बैलेंस शीट के एसेट्स में चला जाएगा क्योंकि आपने खरीदा तो मशीनरी है और क्योंकि उधार खरीदा है तो पैसे देने बाकी है तो दूसरी एंट्री कहां चली जाएगी लाइबिलिटी में पहले तो ये समझो अगर आप इसको लिखते तो कैसे लिखते हैं सर बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख देते हैं। मैं कोई मशीनरी खरीद के लाऊंगा दूसरा कहां भेज दूंगा मैं लाइबिलिटी साइड में सेम अगर आप लिखना भूल गए तो सर जब आप लिखना भूल गए तो आपको क्या करना होगा इसे करेक्ट करना होगा तो जब कभी भी आप एसेट्स को लिखना भूलेंगे ना तो इस सिचुएशन में क्या होगा दो बातें हो सकती है दो बातें हो सकती है सर क्या नंबर वन एक आपको ऐड करना होगा इन एसेट asset, जिस एसेट्स की बात चल रही है सपोज अगर बात चल रहा है बिल्डिंग तो बिल्डिंग में ऐड करिएगा मशीनरी तो मशीनरी में ऐड करिएगा दूसरा क्योंकि आपको पेमेंट करना बाकी है तो शो हो जाएगा ये इन ए लाइविलिटी साइड लाइबिलिटी साइड और इसे एज क्रेडिटर शो कर सकते हैं आप एज क्रेडिटर शो कर सकते हैं एज क्रेडिटर शो किया जा सकता है लेकिन समस्या ये आता है कि मान लेते हैं कि मेरे पास ये बैलेंस शीट है और मैं मशीनरी भूल गया तो मैं यहां लिखूंगा सर मशीनरी जैसे मान लो दो लाख रुपए का अब नीचे एडजस्टमेंट में डेप्रीशियन है तो सर अब डेप्रीशियन कैसे आपने भूले यानी साल के एंड में खरीदा और फिर भूले तो डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं होगा सर हो सकता है साल के बीच में खरीदा और फिर आप लिखना भूल गए तो साल के बीच से चार्ज होगा और स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग तो इस केस के अंदर डेप्रीशिएशन जो लगेगा इफ आपको डेट गिवन हुआ इफ डेट ऑफ परचेज गिवन अगर आपका डेट ऑफ परचेज गिवन है देन डेप्रिशिएशन विल बी कैलकुलेट कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू डेट तब डेट के हिसाब से निकलेगा बट इनकेस इनकेस डेट नहीं गिवन हो डेट नॉट गिवन देन आपको डेप्रीशिएशन इग्नोर कर दीजिए देन डेप्रीसिएशन क्या करिए आप इग्नोर कर दीजिए बड़ी सीधी सी बात है यहां तक कोई दिक्कत है यानी सर जब कभी भी आप फिक्स एसेट्स खरीदते हो कई बार अक्सर हम ना खरीद तो लेते हैं लेकिन उसे भूल जाते हैं और सर यह बातें कैसे पता चलेगा हमें ऑलवेज ये वाला इंफॉर्मेशन गिवन होगा आपको एडजस्टमेंट कहा गिवन होगा एडजस्टमेंट में गिवन ठीक है अगर आप क्या भूले एसेट्स एक तो एसेट्स में एड और दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लेकिन आप नॉर्मल गुड्स भूल जाते हैं जैसे कि परचेस अगर आप नॉर्मल गुड्स भूल जाते हैं तो क्या करेंगे नॉर्मल गुड्स के केस में फिर दो जगह एंट्री जाएगी आपकी नॉर्मल गुड्स के केस में दो जगह एंट्री जाएगी सर कहां कहां एक हो जाएगा हमारा एड इन परचेज एड इन परचेज एड इन परचेस दूसरा चले जाएगा यहां पे बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड दूसरा चला जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड आप समझिए फिर से आप सामान को खरीद लिया लेकिन आप रिकॉर्ड करना भूल गए तो कौन से वाला सामान हमेशा रिकॉर्ड करने भेजते हैं रहता है? उधार वाला तो उधार वाला रिकॉर्ड करना भूल गए तो सामान खरीद आप उसे ठीक कैसे करें हम परचेज में ऐड कर देंगे और क्योंकि अब उधार वाला ट्रांजेक्शन है तो इसका मतलब लाइबिलिटी में भी हम उसको क्या करेंगे शो कर देंगे इसमें डेप्रिशिएशन का तो कोई समस्या ही नहीं है डेप्रीशिएशन का सारा काम कहां पे आएगा जब हम एसेट्स में होंगे बताइए कोई डाउट एडजस्टमेंट नंबर बारह ट्वेल्व कोई डाउट है तो बताइए किसी को कोई डाउट है तो बताइए जितने बच्चे लाइव क्लास में उनको भी कोई डाउट है तो बताइए अभी एडजस्टमेंट कर रहे हैं फिर इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल भी हम कर लेंगे चलिए अगले पे देखें एडजस्टमेंट नंबर बारह तेरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो ट्रायल बैलेंस में गिवन हो सकता है में गिवन हो सकता है या फिर दूसरा ऑप्शन बनता है ये एडजस्टमेंट में गिवन हो सकता है एडजस्टमेंट में गिवन हो सकता है ट्रायल बैलेंस में अगर गिवन हुआ तो सिंगल एंट्री होगा और सर ट्रायल बैलेंस में गिवन हुआ तो कहां जाएगा ये जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ना वो पता ही क्या होता है ये बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है हमें देना होता है ठीक है ना अगर बैलेंस शीट में हुआ तो दो एंट्री बैलेंस शीट में हुआ तो दो एंट्री सर एक चला जाएगा हमारा कहां पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड दूसरा हमारा ऐड हो जाएगा ये जाके कैपिटल में ऐड हो जाएगा हमारा कहां जाके सर ये कैपिटल में इसी से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट नंबर चौदह है जो मैं यही कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर ये भी हो सकता है हमारा कहां गिवन हो ट्रायल बैलेंस में और यह गिवन हो सकता है अब मैं आपसे पूछूंगा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो बिजनेस के लिए हमेशा इनकम होता है सर इनकम क्यों होता है क्योंकि ड्राइंग हमने निकाला है ऑनर अलग होता है और बिजनेस तो भाई ऑनर बिजनेस में से पैसा लेगा तो हमें बिजनेस को ब्याज देना होगा तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सो सोचो उसके लिए क्या है इनकम है एक तरीके से ठीक है अगर ट्रायल बैलेंस में हुआ नेचर इनकम है तो इनकम के हिसाब से सोचेंगे ना ट्रायल बैलेंस में हुआ तो कहां जाएगा पीएंडल में बताओ पीएंडल के किस साइड जाएगा पीएंडल के क्रेडिट साइड सर एडजस्टमेंट में हुआ तो कहां जाएगा दो जगह जाएगा अगेन दो जगह जाएगा सर कहां दो जगह एक चला जाएगा पी एंडल के क्रेडिट साइड और एक चला जाएगा हमारा लाइबिलिटी या फिर लेस फ्रॉम कैपिटल कैपिटल से लेस हो जाएगा बताइए कोई डाउट समझ में आ रहा है ये? सर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ बिजनेस के लिए खर्चा है तो अगर हमारा ट्रायल में गी है तो एक ही एंट्री करेंगे पी पीएनएल के डेबिट में लेकिन अगर एडजस्टमेंट में गी है तो दो एंट्री चला जाएगा कहां चला जाएगा सर एक तो पी पीएंडल के डेबिट में तो जाएगा ही जाएगा साथ के साथ हमारा कैपिटल में एड हो जाएगा और ड्रॉइंग के केस में क्या होता है कैपिटल में लेस और पी पीएनएल के क्रेडिट साइड में अगले पॉइंट पे चले एडजस्टमेंट नंबर पंद्रह मैं बेसिकली कहूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन और ये एक हिडन एडजस्टमेंट है इसको मैं रखूंगा हिडन एडजस्टमेंट की कैटेगरी में नोटिंग के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगा आज नंबर अपडेट कर देंगे सबका पहले हम समझ लेते हैं ये है क्या जर्नली नॉर्मली आपने क्या देखा है सर आपको ना एक ट्रायल बैलेंस गिवन होता है एक डेबिट ट्रायल बैलेंस की बने ठीक है एक डेबिट है क्रेडिट है हमने अगर इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा मान लेते हैं पचास हजार मान लेते हैं मान लेते हैं पचास हजार है या आपका एडजस्टमेंट अभी तक क्या सीखा है सर इस ट्रायल बैलेंस के नीचे जो बातें लिखी होती है उसे हम एक नाम दे देते हैं जो होता है एडजस्टमेंट और इस एडजस्टमेंट की कितनी एंट्री करते हैं लेकिन कई बार आपको नीचे ना देखे ना जो बात अलग से नीचे बताना होता है वो चीजें ना ट्रायल बैलेंस के अंदर वो ब्रैकेट में कह जाता है तो अब ट्रायल बैलेंस के बाहर तो नहीं हुआ ट्रायल बैलेंस के अंदर कहां हो गया तो इसलिए ये भी किसका पार्ट बन जाता है ये एडजस्टमेंट का तो इसलिए इसका नाम मैंने दे दिया हिडन एडजस्टमेंट जो कि आपको नीचे एडजस्टमेंट में तो नहीं मिल रहा लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर मिल रहा है जैसे सर इसमें क्या हो सकता है अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है एग्जाम्पल के साथ करेंगे फिर मैं पहले मैं समझाऊंगा फिर मैं इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा डेबिट मैंने लिखा टेन परसेंट लोन समझिएगा कभी भी लोन के आगे जो परसेंटेज लगा होता है ना वो इंडिकेट करता है इंटरेस्ट रेट को के सर इस पर दस परसेंट ब्याज हमें देना है क्योंकि लोन लोगे तो ब्याज तो देना ही होगा मैंने लिखा टेन परसेंट लोन एक लाख रुपए तो सर इसका मतलब है इस लोन पे हमें ब्याज देना पड़ेगा अब लोन पे ब्याज कैसे देना होता है मान लो ये आपका पूरा साल है सर साल शुरू होता है आपका एक चार को और एंड हो जाता है हमारा इकतीस तीन को अगर लोन मैंने इस डेट पे लिया है तो हमें उस पर पूरे साल का ब्याज कैलकुलेट कर लेना चाहिए लोन अगर मैंने इस डेट पे लिया हो कहीं बीच में तो यहां से यहां तक ब्याज कैलकुलेट होगा लोन अगर मैं इस डेट पे लूंगा बीच में तो यहां से यहां तक ब्याज कैलकुलेट होगा लोन अगर मैं एंड में लूंगा तो ब्याज ही नहीं कैलकुलेट होगा सिंपल सी बात है यानी लोन आपने कितने दिन अपने पास रखा है कितने दिन पैसे इस्तेमाल किया उतने दिन का ही आपको क्या देना है सर यहां पे उतने दिन का ही आपको ब्याज देना है बड़ी सीधी सी बात है तो अगर देखा जाए तो मैंने यहां पे बताया नहीं कि आपको इंटरेस्ट कितना होगा नहीं बताया जी तो ऐसे सिचुएशन में आपको अजम्पन लेना पड़ता है पूरे साल का कितना देना है आपको मैंने नहीं बताया तो आपको क्या लेना है पूरे साल का लेकिन अगर मैं ब्रैकेट में लिख कि एक चार 2022 तो इसका मतलब है ये लोन आपने लिया एक चार 2022 को साल हमारा ये है आपने इस डेट पे लोन लिया कितने का लिया सर एक लाख का लोन लिया तो ब्याज बताओ कितना बनेगा पूरे साल का यानी अगर कुछ ना बोला जाए सिर्फ परसेंटेज दे दे तो पूरे साल का डेट दे दे अगर मैं इसकी जगह पे डेट को बदल के और ये डेट कर दू मैं तीस नौ दो हजार बाईस तो ये क्या बताता है सर आपने लोन लिया है तीस नौ कहीं साल के मिड में अब जो ब्याज कैलकुलेट होगा वो यहां से अब देखो यहां तीन केसेस हो गया जब कुछ ना दे तब इंटरेस्ट पता है क्या बनेगा सर इंटरेस्ट बनेगा दस परसेंट के हिसाब से दस हजार कैसे बना सर दस हजार एक लाख के ऊपर सीधा टेन बाय हंड्रेड जब हमें बोल रखा था कि सर हमने लोन इस तारीख को लिया तो सर फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो फिर से दस ही कैलकुलेट होगा जो कि आएगा दस जब डेट दे रखा था दूसरे बार का तीसरे केस में क्या होगा सर दस एक लाख रुपए है इसका दस परसेंट ठीक है लेकिन आप ये भी तो देखिए इस्तेमाल तो सर कुछ दिनों के लिए किया है कुछ महीनों के लिए किया है तो अब कितने महीने का हो गया सिक्स यानी इस वाले पॉइंट से पता है क्या पता लगता है हमें कि जब कभी भी हम इंटरेस्ट निकालेंगे ना तो इंटरेस्ट निकालते टाइम पे बहुत सिंपल सी बात है डेट का इंपॉर्टेंट रोल होगा पहले तो यह समझिए क्या मैंने कहीं बाहर एडजस्टमेंट लिखा है नहीं अगर मैं बाहर एडजस्टमेंट लिखता हूं और मैंने सपोज करो कि यहां पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा और मैंने बाहर एडजस्टमेंट में लिख दिया कि लोन टेकन ऑन तीस सितंबर। तो ये वाला एडजस्टमेंट बाहर पता चल गया और इसी को अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा लिखा था इसके अंदर लिखा था इंटरेस्ट तो निकलेगा आपका ठीक है ना अब सर इंटरेस्ट एडजस्टमेंट का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा यह मुद्दे की बात है सबसे पहले तो अभी हमने क्या सीखा इंटरेस्ट निकलेगा अगर मैं ये बताता हूं तो इंटरेस्ट कितना आएगा बताइए पांच हजार आएगा कैसे पांच हजार आया क्योंकि आप कितने महीने का कैलकुलेट कर रहे हो छह महीने का पूरे साल का कितना है दस हजार और छह महीने का बनेगा हमारा पांच हजार छह महीने का क्यों क्योंकि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च सेप्टें तो काउंट ही नहीं करेंगे खैर क्योंकि 30 है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च छह महीने का ब्याज निकलेगा अब कई बार क्या होगा जो बातें मैं बता रहा हूं ना बाद में मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा और जो बच्चे लाइव देख रहे हैं बाद में वीडियो भी देखेंगे तो वीडियो देखते टाइम पे ना आप इन चीजों को एंश्योर कर लेना कि जो बातें मैं बता रहा हूं लिख नहीं रहा लेकिन उसे रिकॉर्ड जरूर कर लेना मान लो मैंने यहां लिखा इंटरेस्ट सर इसका मतलब क्या हुआ मान लेते हैं अब ये लाइन नहीं की बन नीचे मैंने लिखा इंटरेस्ट पहले तो ये बताइए इंटरेस्ट को भूल जाइए इंटरेस्ट लोन कितने महीने का निकलेगा पूरे साल का जब कुछ ना बोला जाए तो कितने टाइम का निकलेगा तो सर आप एक बार मुझे बता दीजिए इंटरेस्ट बनता कितना है सर कायदे से देखा जाए तो एक लाख रुपए का कर्जा है और दस परसेंट पूरे साल का निकालेंगे क्योंकि डेट नहीं गिवन कायदे से इंटरेस्ट बनता कितने का है समझ में आ रही बात आप लेकिन इसका मतलब है सर दस में से दो आपने पेमेंट कर दिया है इसका क्या मतलब है दस में से दो इसका मतलब आपका जो अभी जो एडजस्टमेंट वाला पार्ट हो जाएगा वो सिर्फ बचेगा दस का नहीं करेंगे हम किसका करेंगे यानी आठ हजार का हमने पेमेंट नहीं किया तो अब एडजस्टमेंट कितने का बनने वाला है आठ हजार पहले बताइए यहां तक कोई डाउट? यहां तक समझ में आ रही है बात आपको सर अगर मैं इंटरेस्ट यहां पे छह हजार कर दूं तो कितने का एडजस्टमेंट बनेगा चार का बनेगा अगर मैं यहां इंटरेस्ट दस हजार कर दूं तो तो एडजस्टमेंट बनेगा ही नहीं क्योंकि जीरो हो गया ये कह रहा है नीचे एडजस्टमेंट भी बोल दे कि इंटरेस्ट आपका एक साल का निकलेगा लेकिन आपने चेक कर लिया पहले यानी सर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि ट्रायल बैलेंस में पहले से कितना इंटरेस्ट पेड कर रखा है फिर उसके बाद कंपैरिजन करके आप बता सकते हो कि कितने रुपए का इसमें एडजस्टमेंट लगने वाला है समझ रहे हो बात को आप तो सर इंटरेस्ट के केस में दो जगह हो सकता है ये और ये हिडन एडजस्टमेंट मैंने क्यों बोला पहले तो आप ये भी समझ लीजिएगा सर हिडन एडजस्टमेंट मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पे देखेंगे बाहर ट्रायल बैलेंस के कुछ नहीं लिखा हुआ लेकिन फिर भी देखिए आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हुए भी ये किसका पार्ट बन गया एक एडजस्टमेंट का पार्ट बन गया जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगा सर उसकी तो एक ही एंट्री करेंगे एक एंट्री कहां जाएगा सर वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड मेरे वाले एग्जाम्पल को देखते हुए आप बताइएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में कितना जाएगा जो ट्रायल में गिवन है वही जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड मैं अमाउंट चेंज कर देता हूं फिर से मैं पुराने वाला अमाउंट लिख देता हूं यहां पे दैट इज टू थाउजेंड रुपीज मैंने लिख दिया यहां पे दो हजार तो पी एंडल के डेबिट में कितना जाने वाला अमाउंट बताइए सर दो हजार चला जाएगा एडजस्टमेंट में हुआ तो दो एंट्री एडजस्टमेंट में हुआ तो दो एंट्री एडजस्टमेंट में दो एंट्री सर एडजस्टमेंट में कौन सी दो एंट्री एक चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड मैं भी करके भी दिखाऊंगा और दूसरा चला जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मान लो मेरा सवाल यही है इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सर मैं आपके सामने एक बना रहा हूं यहां एंड एल और एक आपके सामने मैं बना के चल रहा हूं बैलेंस शीट ठीक है इसी को मैं करके दिखा देता हूं कि कैसे करेंगे तो ये हो गया हमारा सर एल और ये हो गया सर हमारा बैलेंस शीट आपको पता है ये क्या है लाइविलिटी और ये क्या है सर एल के अंदर सबसे पहले जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है उसे लिखेंगे सबसे पहले लोन है ना टेन परसेंट तो लाइवलिटी में चला जाएगा एक लाख रुपए पूरा लिख दिया ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट दे रखा है कितने का तो एल के डेबिट में चला जाएगा यहां तक समझ में अब एडजस्टमेंट दे नहीं रखा लेकिन हमें पता चल गया कि भैया इसका इंटरेस्ट जो बनना चाहिए था वो कायदे से देखा जाए तो कितना बनना चाहिए सर दस हजार बनना चाहिए अब दस हजार रुपए बनना चाहिए जिसमें से पेमेंट हम दो हजार रुपए का कर चुके हैं तो आठ हजार रुपए का स्टिल हमें देना बाकी तो अब जो देखा जाए तो इसके अंदर एड कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एड कर देंगे हम क्या सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने और पी एंड एल के अंदर तो बन गए पूरे दस दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में चला जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और दैट इज आपका चला जाएगा हमारा आठ हजार समझे कैसे करना होगा आपको ठीक है कोई डाउट? कोई डाउट परेशानी यानी अगर आपको डेट भी नीचे दे देता है तो आप डेट के अकॉर्डिंग करोगे तो अगर मैं इसी के नीचे ब्रैकेट में इसी के अंदर लिख देता मान लेते हैं तीस नौ दो हजार अगर ये लिखता तो टोटल इंटरेस्ट कितना बनना था पांच पांच में से कितना दे दिया कितने का एडजस्टमेंट लगेगा तीन का लगेगा बड़ी सीधी सी बात है उस सिचुएशन में यहां दो लिखता दो में मैं यहां पे अब आठ ऐड नहीं करता सिर्फ तीन और ये तीन का उठाकर डाल देता लाइवलिटी में समझ में आई बात आपको ये तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करता है ये इंटरेस्ट किसी को डाउट है तो बताइए किसी को डाउट है तो बताएं अगले एडजस्टमेंट पे चले सर नेक्स्ट एडजस्टमेंट बनता है हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट Sir, interest on investment. ये भी सर हिडन एडजस्टमेंट का ही पार्ट है पहले देख लेते हैं सर कैसा हो सकता है स्ट्रक्चर ये आपके सामने मैं एक ट्रायल बैलेंस बना देता हूं एक ट्रायल बैलेंस बना देते हैं ये हो गया हमारा डेबिट और ये क्रेडिट मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट मैंने अब टेन परसेंट इन्वेस्टमेंट लिख दिया और सर इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है दैट्स ये एसेट साइड में दिखेगा एक लाख मैंने यहां लिख दिया सर इंटरेस्ट जिसको पिछला समझ में आ गया हो गया वो फटाफट कैच कर लेगा इंटरेस्ट लिखा दो हजार इंटरेस्ट 2000 क्रेडिट में ट्रायल बैलेंस में लिखने का मतलब है 2000 मिला है और आपका इन्वेस्टमेंट पे आपको मिलना कितने परसेंट चाहिए था सर और दस हजार एक लाख रुपए पे कितने बनते हैं दस हजार बनते हैं अगर दस परसेंट देखा जाए तो एक लाख पे कितना इंटरेस्ट बनेगा यानी मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था इंटरेस्ट फिजिकल टू हमें एक लाख रुपए पे दस परसेंट मिलना चाहिए था जो कि निकल के आता है हमारा अगर दस हजार का ब्याज मिलना चाहिए लेकिन मिला कितना है इसका मतलब आठ और लेना जब कभी भी कुछ चीजें हमें लेना बाकी होता है तो वो एसेट्स बन जाता है तो यहां पे कहानी फिर से वही आता है सर दो जगह की हम बात कर रहे थे एक तो चला जाएगा कहां पे, सर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस के किस साइड क्रेडिट साइड दूसरे हम बात करें कहां जाएगा सर एडजस्टमेंट में हुआ तो दो जगह जाएगा अगर एडजस्टमेंट में हुआ तो दो जगह आप दिमाग लगाइए एडजस्टमेंट में होगा तो दो जगह कहां जाएगा एक तो चला जाएगा हमारा एक तो चला जाएगा कहा सर एक चला जाएगा बैलेंस शीट या बैलेंस शीट के बजाय मैं लिख देता हूं एड इन इनकम एड इन इनकम जो भी इनकम होगा उसमें जोड़ दिया जाएगा किस नाम से एज अक्रूड एज अक्रूड अक्रूड इंटरेस्ट एज अक्रूड इंटरेस्ट सर अगर हुआ हमारा कहां पे सेकंड देखा जाए तो एड एक्रूड इंटरेस्ट दूसरा बैलेंस शीट के एसेट्स में चला जाएगा एसेट्स में किस नाम से एज एक्रूड इंटरेस्ट बताइए कोई डाउट यानी जिसको इंटरेस्ट लोन वाला समझ में आ गया ना उसको ये भी आ जाएगा कोई इसमें समस्या किसी को कोई दिक्कत ये एडजस्टमेंट नंबर कौन सा था कोई डाउट है बताइए चलिए और चलते आगे आउटस्टैंडिंग रेंट या एक्सपेंस सर हालांकि इसका तो पता है आपको बताओ आउटस्टैंडिंग का क्या करते हैं दो जगह एंट्री जाती है आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में हो तो कितनी जगह एंट्री जाएगी कहां कहां दो जगह जाएगी पी एंड एल के डेबिट साइड में और एक लाइविलिटी में लेकिन जब वो एडजस्टमेंट बाहर ट्रायल बैलेंस के कहेगा तभी तो आपको पता लगेगा कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि आपको बताएगा नहीं कि आउटस्टैंडिंग आप खुद पता लगा लो जैसे सर मैंने रेंट का एग्जाम्पल लिया कुछ भी हो सकता है वेजेस सैलरी कुछ भी हो सकता है ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस है और अगर मैं आपसे पूछू ना कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जैसे कि रेंट दे रखा है पाँच हजार और नीचे मैं दे दूं एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग रेंट चार हजार तो इसका एडजस्टमेंट आप बड़े इजीली से कर सकते हो ये तो चला जाएगा पीएनडल के डेबिट साइड और ये उसी पीएनडल के डेबिट साइड क्या हो जाएगा एड हो जाएगा और यही अमाउंट कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट के ये तो पता है लेकिन अगर मैं एडजस्टमेंट में ना दूं और फिर भी मैं बोलूं कि भैया इसमें एडजस्टमेंट है तो करके दिखाइए तो अभी तो इसमें एडजस्टमेंट है नहीं एडजस्टमेंट कब बन जाएगा एग्जामिनर एक लाइन ऐड कर देगा इसके अंदर मान लेते हैं मैं अमाउंट चेंज कर रहा हूं मैं अमाउंट चेंज कर रहा हूं या बाईस कर देता ब्रैकेट में लिख दिया इलेवन मंथ एडजस्टमेंट मैंने बाहर नहीं दिया कहा लिख दिया मैंने जैसे ही मैंने ब्रैकेट में लिखा इसका मतलब क्या होता है समझना क्या बताना चाह रहा है बोल रहा है भैया ये जो रेंट है ना आपका ग्यारह महीने का रेंट है सिर्फ जबकि आपको अच्छे से पता है हमारा पी एंड एल और बैलेंस शीट कितने महीने का बनता है बारह महीने का एक साल बोल लो या फिर बारह महीने बोल लो और रेंट जो है वो ग्यारह महीने का इसका मतलब एक महीने का रेंट अभी हमने पेमेंट तो आपको यहां पे एक महीने का रेंट निकालना पड़ेगा कैसे निकालोगे सर रेंट एक महीने का निकालने का तरीका है जो आपका रेंट दे रखा है डिवाइड करो कितने से सर डिवाइड करो आप ग्यारह से तो ये कि अगर आपको ये बाईस हजार रुपए बड़ी सीधी सी बात है आपने इक्वेशन सीखा हुआ है बच्चों वाली चीज है ये अगर बाईस हजार रुपए आपका ग्यारह महीने का और ग्यारह से डिवाइड कर दे तो कितने महीने का आएगा एक महीने का और आपका आउटस्टैंडिंग भी कितने महीने का है तो सर यहाँ पे क्या आउटस्टैंडिंग रेंट होगा या नहीं होगा क्या एडजस्टमेंट में बोला है आपको नहीं बोला ये कहाँ बोला हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर ही तो ये भी किसका पार्ट माना जाएगा एक हिडन एडजस्टमेंट बोल लो या फिर एडजस्टमेंट का पार्ट माना जाएगा ऐसे सिचुएशन में भी दो जगह एंट्री चली जाएगी हमारी ऐसे सिचुएशन में दो जगह एंट्री जाएगी एक प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड क्या होगा एड इन एक्सपेंस और एक एंट्री चला जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट के सर लाइवलिटी साइड सर अमाउंट मेरे वाले एग्जाम्पल कोई लेके चलते हैं तो एक महीने का आउटस्टैंडिंग पता है कितना निकलता है दो हजार तो इस तर चला जाएगा दो हजार और लाइवलिटी में भी कितना आ जाएगा अगर आप में पीएनएल का स्ट्रक्चर बना दूं तो पीएनएल पता है कैसे बनाओगे सबसे पहले तो आप लिख लोगे यहां पर रेंट और आपने लिख लिया कितने इसमें प्लस कर दोगे आउटस्टेंडिंग कितने और पीएल के अंदर तो कितने आ गए 24, ये पी एंड एल में और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में चला जाएगा 2000, समझ में आ रहा है आपको तो ये एडजस्टमेंट भी कैसा एडजस्टमेंट था सर जहां पे आपको हिडन एडजस्टमेंट था अंदर गिवन था मतलब बैलेंस शीट मतलब अलग से ट्रायल बैलेंस के बाहर तो नहीं कह रहा लेकिन बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर ही है फिर भी ये एडजस्टमेंट का पार्ट माना जाएगा ठीक है कितने एडजस्टमेंट हो गए सर ये कौन सा है सत्रह यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए यहां तक किसी को डाउट है तो बताएं पूजा गौतम भावेश कोई डाउट है तो बताइए नो no. तो आज हम यहीं तक एडजस्टमेंट करेंगे बाकी जिन बच्चों को नोट करना है फटाफट से नोट करिए यहां से था यहां से था ठीक है आपका परसों एक और क्लास है परसों के बाद फिर हम रेगुलर क्लास करेंगे और परसों परसों एक और क्लास है उसके बाद फिर रेगुलर का प्रोविज़न करूँगा और परसों सारे एडजस्टमेंट मैं ख़त्म कर दूंगा आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और कंटेंट में आएगा नोटिंग जरूर कर लीजिएगा आप ठीक है ओके गुड नाइट नोट करते जाइए जिस जिस जो तो भी है पीडीएफ कब आएगा नहीं है